Audio Jungle. इंदौर में पिछले दिनों ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुलाकात की राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई, जिसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं तुलसीराम सिलावट ने मीडिया के सामने आकर कहा कि उन्होंने कोई पाला नहीं बदला। पूर्व सीएम के साथ औपचारिक बैठक थी। इंदौर में SGSRTS के स्वर्ण द्वार के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट, उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी और नगर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल के बीच करीब 20 मिनट बंद कमरे में चर्चा हुई। इस दौरान कार्यकर्ताओं को बाहर भेज दिया गया। 25 सितंबर को ज्योतिरादित्य सिंधिया का इंदौर दौरा और वर्तमान विवाद के दौरान हुई इस बैठक को लेकर राजनीतिक हलकों में अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। चर्चा के दौरान दिग्विजय सिंह ने 2 बार किसी से फोन पर बात भी की। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया से खुद के जुड़े होने पर सफाई दी है। मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि उन्होंने ना तो कभी पाला बदला है और ना ही कभी बदलेंगे। वो मेरे से पहले मौजूद थे भाई। देखो, जीतू पटवारी जी और पूर्व मुख्यमंत्री हैं हमारे, उनसे मुलाकात चाय पीने में भी पाबंदी है क्या? चाय पी रहे तो चाय मैंने भी पी, भजिए मैंने भी खाया, चाय का लुप्त मैंने भी उठाया। 20 मिनट आपकी से बात, वो तो मेरे से पहले, आपको पहले, मेरे से पहले जीतू भाई और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी बैठे थे। फिर हम लोग विनय बागली और तुलसी सिलावट चाय पीने गए और यार हमारे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे मिलने में पाबंदी लगा हुई क्या? अभी उन्होंने नहीं, मुझे मुख्यमंत्री जी ने बोला था, कमलनाथ जी ने, झाबुआ 1 तारीख को होके आया, मैं होके आया, निर्देश दिए थे आप जाइए। अच्छा, 10 तारीख को सिंधिया जी प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे। ये आपको बनेंगे तो मैं आपको सबसे पहले मिठाई आपको मिलाऊंगा। तुलसी सिलावट ने पाला बदल लिया है दिग्विजय सिंह से मिलने? सुनो, ना तुलसी सिलावट ने पाला कभी बदला, ना कभी बदलूंगा। सुनो, आस्थाएं कभी चेंज नहीं होती है, विश्वास कभी चेंज नहीं होता है, ये आपकी काल्पनिक। दरअसल इंदौर में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से उनकी मुलाकात के बाद यह बात कही जा रही थी कि तुलसी सिलावट के द्वारा सिंधिया खेमा छोड़ दिग्विजय सिंह खेमे में वे जुड़ गए हैं। इसी पर उन्होंने सफाई देते हुए यह बात कही।